पौनी में लगातार चोरियां हो रही थी, उसको लेकर बम्बाल था और पौनी में आज दो दिन पहले बंद था और आज कॉल थी बंद की, इनका क्या फैसला हुआ है, इनकी मीटिंग हुई है, आइए जानते हैं इनसे। सर क्या मीटिंग हुई है आज, आपने क्या फैसला लिया? राम जी ऐसी फैसला लिया कि जिस तरह चोरियां हो रही थी दो से पहले देखा है, इस करके जरा असं बंद कर रहे हैं ताकि सारा नुकसान है, चोरियां हो रही हैं ताकि सारा नुकसान है। एक तो महाराज का जग चलता पे इतने के काफ़ी लोग बाहरों आ रहे हैं, इस करके असं सारे रल मिलकर जिन्हें भी सारे बाजार के जो दुकानदार ने और सीनियर सिटीजन जिससे सारे मास्टर जी सरपंच सरपंच जिन्हें भी सारे को बैठे ने, असं यह फैसला लिया कि असं दुकानदार लोगों भाइयों का अपना नुकसान नहीं करना चाहते, जिंदे तो जग खत्म होता उस तो बाद असं फैसला लिया कि जग तो बाद सारी कितने भी बैठ के सारी मीटिंग हो सकती है, उस तो बाद फिर सोच विचार किया जाएगा। मीटिंग हम कदों होनी है, जग तो तीन चार दिन रह गए जी सर, अगर 19 तरीक जग खत्म होता 20-21 नूं असीं सारे दुकानदार जिन्ने भी हाँ और सर सरपंच सरपंच जिन्ने भी हैं सारे बैठ के असीं डिसाइड करांगे नेक्स्ट फर्दर असीं की करना। राम जी धन्यवाद, जैसे बबी जी ने कह दिया बिल्कुल ठीक, हाँ ये लोग दुनिया इधर आ रही है, अगर हम बाजार रखेंगे एक तो बाजार का नुकसान होगा, एक लोगों की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, कोई फ्रूट नहीं ले सके, हम बहुत इसके बहुत तकलीफ है। तो बात यह है कि यज्ञ के बाद हम ये सोचेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन को और थोड़ा टाइम दे देते हैं कि जो चीज़ जो हमारे मसाइल हैं, हमने जो बोल दिए हैं दो तीन बार बोल दिए हैं वही मसाइल हैं, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन को जो हमने और टाइम दे दिया 5-6 दिन ताकि जो हमारे मसाइल जो है इनको हल किया जाए, और यज्ञ के बाद हमारी फिर मीटिंग होगी, उसके बाद बिल्कुल जो भी फैसला होगा सभी कमेटी मेंबर लेंगे तो हम करेंगे। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है जी सर, क्या कहना चाहूँगे? आज की जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में एक मत एक राय थी जो इन्होंने कहा, बब्बी जी ने मासी ने कहा, जो मैंने महसूस किया कि चोरियों के खिलाफ गुस्सा है, ये गुस्सा ठंडा नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ये महसूस ना करे कि आज इनकी बंद की कॉल थी, बंद नहीं होगा, ये बंद होगा उसका कारण खाली जग आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो लोगों का गुस्सा ठंडा करना चाहिए, चोरियां बरामद करनी चाहिए, ये जिम्मेदारी अपने ऊपर उन्हें लेनी चाहिए, फौरी तो देर किए बगैर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चोरियों को बरामद करे, आने वाले दिनों में जागे बाद ये आंदोलन और तेज होगा जो कि ठंडा होने का नाम नहीं लेगा। राम जी जी सारे सीनियर सिटीजन और सारे बिच आए दे एक्सपेंस साहब आए जिन्हें अपने विचार दसे कि असें साला गुस्सा जेका है पुलिस के खिलाफ अली ठंडा नहीं होता है, लोगों के बिच अला बड़ा रोष है, कोई ऐसा नहीं होया, असें टाइम भी दिता है पुलिस की कि वह क्या करा कि अपने तहत कने जिस तरह लगी दी है पूरी तरीके कने काम करा और चोरी की बरामद करा जो जो लोग चोरी की दी, ऐसा अगर ऐसा नहीं होया 5-7 दिन के बाद उधर प्रदर्शन होने की संभावना होनी है, फिर लोगों जेका धरने में बेही आना, असें भुखे नंगे घर आनी है बेही आना थी है तो उल्ले तो नहीं उठना जल तो साड़िया मांगा पूरी नहीं होगा, इस गला एक दिन भी दिते गए पुलिस की ताकि वो अपना आप ही संभालिए सी चोर जेका साबित कर सी चोरी साबित कर लैन तो सारा भी जेका है रिलेशन बना रवे। जय हिंद जय भारत। क्या फैसला लिया मीटिंग में? ये सब ने जो बताया है वही फैसला हमारा भी है, और जो चोरियाँ हैं वो जल्द से जल्द बरामद होनी चाहिए और मैं यही कहूँगा। ये आपने सुना, सबकी बात सुनी है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को एक मौका दे रहे हैं कि जो चोरियां हैं वो चोरियां बरामद करें, अभी जग चल रहा है, अगर चोरियां बरामद नहीं होंगी तो जग के बाद ये लोग सड़कों पे उतरेंगे और जग के बाद हम बैठना है, चोरियां बरामद होनी चाहिए, सारी कोई जिद्दत नहीं है, असं तो बहुत अच्छा काम करा, असं पता लगा कि जो चोरी हुई बेचारा एक दिन भी रेस्ट में कोई आराम बच्चे नहीं है, परेशान भी आई भी बंदे को गलती चाहिए।